हाय गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से वेलकम है। माय ब्यूटी टिप्स चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, साबुन की जगह अगर आपने इस फेस पैक को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी। जिसमें हमें फर्स्ट चीज़ लेनी है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, तो 1 से 2 पिंच के करीब आपको टर्मरिक पाउडर लेना है। सेकेंड इसमें आपको लेना है बेसन। बेसन जो है हमारा मेन इन्ग्रीडियंट्स है, 1 चम्मच भरकर के आपको लेना है। बेसन के जो छोटे छोटे से कण होते हैं, बेसन हमारी स्किन को बहुत ही तेज़ी के साथ फेयर करता है, वह सॉफ्ट व मुलायम बनाता है, स्किन के बहुत ही अच्छा सा निखार आता है, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो इसके बाद में हमें लेना है थर्ड इसमें एलोवेरा जेल। आप किसी भी अच्छी कंपनी का या फिर अपनी भरोसेमंद कंपनी का एलोवेरा जेल ले लीजिए, मार्केट वाला। और उसके बाद में आपको लेना है हनी, तो 1 चम्मच के करीब हमें इसमें हनी लेना है। हनी क्या करता है, हमारी स्किन से रिंकल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, जो भी प्रॉब्लम होती है, बढ़ती उम्र के निशान होते हैं, उसको काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करता है व स्किन को एकदम गोरा, चिकना, बेदाग बनाता है, टाइट बनाता है। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके इसका फेस पैक रेडी कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा ये सीरम सा बन के तैयार हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाली हूँ। तो ये हमारा पैक तैयार हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है, लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि आपके फेस पर कोई भी धूल मिट्टी के कण या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इस फेस पैक को लगा लीजिए हल्की सी लेयर और इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको जब ये सूख जाए, हल्का सा ड्राई हो जाए, इसको रगड़ते हुए हटा दीजिए, पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करिए। अगर आप रोज़ाना करना चाहते हैं तो रोज़ करिए, आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाए।